Equo. Regia. What is equo regia? Brightness ज़्यादा की. Aqueous or aqua regia. Aqua regia है क्या? What is aqua regia? How we can define aqua regia? Aqua regia क्या है? किस तरह से aqua regia को define किया जाता है? या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, why does, क्या हो जाएगा? Aqua regia dissolve gold and platinum. Why does aqua regia dissolve gold or platinum? कि gold या platinum को किस तरह से aqua regia क्यों dissolve करता है, वजह क्या है पीछे? What is the reason behind the aqua regia to dissolve the gold and platinum? अब वैसे अगर देखा जाए, aqua regia कैसे बनता है? When one volume of nitric acids get react with the three volume of hydrochloric acid. Define भी यही है. When one volume of nitric acids or one mole of nitric acid react with the three mole of hydrochloric acid and produce NOCl. यहां से NO, यहां से Cl plus हाइड्रोजन दो और एक तीन है, तो क्या बनेगा? तीन और एक चार, तो क्या बनेगा? 2H2O. अब ऑक्सीजन टोटल तीन थी, तो एक और दो तीन पूरे, प्लस क्लोरीन दो बची, तो Cl2 की फॉर्म में. तो एक्वा रिजिया कैसे बना? व्हेन वन वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, द नाइट्रिक एसिड इज ऑलवेज बीन अ कंसंट्रेटेड फॉर्म, एंड थ्री वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अ नाइट्रोसाइल क्लोराइड. दिस नाइट्रोसाइल क्लोराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजॉल्विंग द गोल्ड एंड द प्लाटिनम. किस तरह से? When one volume of the concentrated nitric acid mixed with the three volume of concentrated hydrochloric acid, aqua regia is formed, which is used to dissolve the gold and platinum or noble metals. अब जो nitrosyl chloride बनता है, यहाँ पे जो nitrosyl chloride बना, nitrosyl chloride is converted into a nitric oxide and along with the, ये unstable होता है nitric chloride, along with the क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन. अब गोल्ड और प्लाटिनम नेवर बी रिएक्ट डायरेक्टली विद द क्लोरीन गैस. इट कैन रिएक्ट ओनली व्हेन एवर द नेसेंट क्लोरीन और एज वेल एज प्लाटिनम इज अवेलेबल. जब नेसेंट क्लोरीन या प्लाटिनम अवेलेबल होते हैं, तो तब ये गोल्ड और प्लाटिनम जाके इस वाले के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली हैलोजन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता. अब अगर गोल्ड को, सो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, क्या हो जाएगा? क्लोराइड, क्या हो जाएगा? और नेसेंट क्लोरीन, कि इस नेसेंट क्लोरीन की प्रोडक्शन की वजह से दिस नेसेंट क्लोरीन हैव एबिलिटी टू रिएक्ट विद द गोल्ड, कि ये क्लोरीन गोल्ड के साथ रिएक्ट करके नेसेंट क्लोरीन एंड प्रोड्यूस अ गोल्ड ट्राइहैलाइड अलॉन्ग विद द, अगर प्लाटिनम देखा जाए, इट रिएक्ट विद द प्लाटिनम एंड प्रोड्यूस अ प्लाटिनम टेट्राक्लोराइड, ये प्लाटिनम टेट्राक्लोराइड बना देगा. अब दीज हैलाइड्स, क्लोराइड्स ऑफ प्लाटिनम एंड गोल्ड क्या हो जाता है? आर डिसॉल्व. ये जो गोल्ड के हैलाइड हैं एंड प्लाटिनम के हैलाइड्स हैं, दीज हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, और दैट्स व्हाई द एक्वा रिजिया इज यूज्ड टू डिसॉल्व द गोल्ड और द प्लाटिनम. ये शॉर्ट क्वेश्चन, आपका आंसर कंप्लीट. लिखेंगे किस तरह से? कि aqua regia is actually formed when one volume of nitric acid react with the three volume of concentrated hydrochloric acid. It is used to produce a aqua regia or nitrosyl chloride. This nitrosyl chlorides are broken down on heating and converted into a chlorine. यानी क्या हो जाएगा? Nascent chlorine. This nascent chlorine can react with the gold or the platinum and form a chlorides which are soluble in water. That's why these are the
वाटर सॉल्युबल, ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होंगे. देन ए यूजेस ऑफ, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड कहां पे अप्लाई किया जाता है, वेयर इट इज यूज. नाइट्रिक एसिड इज यूज एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बनाने के लिए. नेक्स्ट, इसके अलावा अगर देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव. इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सक्लूसिव. नाइट्रोजन मौजूद है और एसिड है, इस वजह से एटम बम वगैरह बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटम बम, फॉर मेकिंग द, यानी क्या होगा, ऑर्गेनिक डाइज एंड वार्निश, मेकिंग ऑर्गेनिक डाइज एंड वार्निशेस. कि ये ऑर्गेनिक डाइज और वार्निशेस बनाने के लिए अप्लाई किया जाता है. इसके अलावा अगर देखा जाए तो नाइट्रिक एसिड्स, दैट इज, यानी क्या हो जाएगा कि ये इसके क्या डिफरेंट टाइप के यूजेस है. अब है फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स, फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड. फास्फोरस और उसके कंपाउंड देखें, विद टाइप ऑफ द कंपाउंड आर फॉर्म बाय द फास्फोरस, कि फास्फोरस किस तरह के कंपाउंड बनाता है. विद टाइप ऑफ द कंपाउंड आर फॉर्म बाय द फास्फोरस, फास्फोरस किस तरह के कंपाउंड बनाता है. पहले तो देखेंगे फास्फोरस के लिहाज से, तो पहले इसके यानी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अक्रेंस देखते हैं. अक्रेंस ऑफ फास्फोरस, वेयर दैट कैन बी अकर. फास्फोरस कहां पे पाई जाती है, किस तरह से पाई जाती है, ये देखते हैं. फर्स्ट अगर देखा जाए तो फास्फोरस क्या है, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, जिसका मतलब होता है लाइट बेरिंग. फास्फोरस इज बिलोंगिंग फ्रॉम द ग्रुप फिफ्थ ए. एलिमेंट्स कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्या हो जाएगा, आर्सेनिक, यानी क्या हो जाएगा, एंटीमनी एंड बिस्मिथ. यानी याद करने का तरीका नादिर, पप्पू, असलम साहब, भाई. अब आपके पास ये जो फास्फोरस है, द वर्ड फास्फोरस इज ड्राइव फ्रॉम फास फॉस्फोरेसेंस, जिसका मतलब होता है लाइट बेयरिंग. लाइट बेयरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस, इधर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज अ फॉस्फोरेसेंस. अगर आपके पास कोई एटम है, कोई भी फॉस्फोरस है, कोई भी, अगर देखा जाए एटम नॉर्मली तौर पर, ये नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल, उसमें ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये वन शेल और सेकंड शेल. अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है एंड जंप फ्रॉम इट्स लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट, या लोअर से हायर ऑर्बिट में अब्सॉर्ब, यानी क्या करता है, जाता है. एंड व्हेन इट केम बैक, इट रिलीज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन व्हिच कॉज अ फ्लोरेसेंस. इसे बोलते हैं फिजिक्स में फ्लोरेसेंस. बट इन क्या हो जाएगा कि फास्फोरस के केस में क्या होता है, सुनिएगा, शेल वन, शेल टू, एक शेल और दो शेल के दरमियान तीन एनर्जी स्टेट होती है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तीन एनर्जी स्टेट, ट्रांसलेटरी एनर्जी स्टेट, वाइब्रेटरी एनर्जी स्टेट एंड रोटेटरी एनर्जी स्टेट. ये तीन एनर्जी स्टेट है. व्हेन द फास्फोरस आर जंप फ्रॉम, यानी एक एब्जॉर्ब एनर्जी, इट जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट, कि अगर लोअर से हायर में जाता है, एब्जॉर्ब एनर्जी करते हैं द फॉर्म ऑफ फोटॉन. अगर वो सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है. लेकिन अगर वो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे और इस स्टेट में आए, फिर थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे, फिर इस स्टेट में आए, फिर थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे, इस स्टेट में आए, फिर थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे, इस स्टेट में आए,
ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस फिनोमिना इज सेड टू बी अ फॉस्फोरेसेंस, यानी डायरेक्टली एनर्जी रिलीज नहीं करता, थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ लाइट बेरिंग और द फॉस्फोरेसेंस, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी अ लाइट बेरिंग और अ फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस, लाइट बेरिंग और अ फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस, लाइट बेरिंग और फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर देखा जाए इनके अंदर एलिमेंट्स के अंदर या किस फॉर्म में एक डिपॉजिट होता है अक्रेंस में, तो इट कैन बी डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, और 80% बोन्स के अंदर ये मौजूद होता है, इन 80% ऑफ द बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द प्रोटीन। अब सुनिएगा, वो प्रोटीन क्या है जो इसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है, कौन सी प्रोटीन? देखिए फास्फोरस और कैल्शियम अटैच होते हैं एक प्रोटीन के साथ, बायो के लिहाज से देख रहे हैं, थ्रू अ फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन आर द मेन कोर प्रोटीन विच इज अटैच विद द फास्फोरस एंड एज वेल एज क्या हो जाएगा कैल्शियम, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथन टू द बोन्स, बोन्स को ये स्ट्रेंथन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर देखा जाए कैल्शियम एपाटाइट की फॉर्म में Ca5FPO4 क्या हो जाएगा, यानी ट्राइस की फॉर्म में, यानी एपाटाइट की फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, इट कैन बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एपाटाइट, दैट इज Ca5F into PO4 क्या हो जाएगा ट्राइस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एपाटाइट। तो फॉस्फोरस इन दो फॉर्म के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इनके अलावा अगर देखा जाए फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल, एनिमल सेल्स किस वजह से, एनिमल सेल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, यानी डीएनए और क्या मौजूद होगा आरएनए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड उसका ये पार्ट होता है। अगर इनमें देखा जाए तो ये किस चीज पर मुश्तमिल होता है, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड तीन पार्ट पर मुश्तमिल होता है, डी ऑक्सीराइबोज शुगर आर पेंटोज शुगर, पीएस फॉर पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस एंड और फास्फेट ग्रुप भी क्या हो जाएगा, तो फास्फेट ग्रुप की फॉर्म के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो फास्फोरस एक्चुअली तौर पर डिफरेंट फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एक और, फास्फोरस कैन आल्सो बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन, लेसिथिन इज अ बेस्ट न्यूरोट्रांसमीटर इन अ ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि क्या हो जाएगा ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, किस चीज का बना होता है, अगर आपको याद हो एनएसिटाइल क्या हो जाएगा, ये एन-एसिटाइल न्यूरोमेमिक एसिड से बना होता है, या फिर यानी किस चीज से मौजूद होगा, फॉस्फोटिडाइल, लेसिथिन का दूसरा नेम है फॉस्फोटिडाइल कोलाइन, फॉस्फोटिडाइल कोलाइन इज आल्सो सेड टू बी अ लेसिथिन, यानी फॉस्फोटिडाइल क्या होता है, दो फैटी एसिड, दो यानी क्या करता है, एक ग्लाइसरॉल के साथ, इस तरह से देखिए ये ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर है, इसके साथ एक फैटी एसिड यहां पे अटैच होगा आर वन, दूसरा फैटी एसिड भी यहां पे अटैच होगा, और तीसरा इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है नेक्स्ट, जो कोलाइन बेस पेयर के साथ अटैच होगा। तो क्या होता है कि फास्फोरस कैन बी आकर, यानी फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, नेचुरली तौर पर भी पाया जाता है, फ्लोरेसेंस का प्रोसेस देता है, कैल्शियम फास्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एपाटाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों फाइब्रोनेक्टिन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं और बोन्स को स्ट्रेंथन देते हैं, एग शेल के अंदर भी मौजूद होता है, एनिमल सेल्स के अंदर भी मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और फॉस्फोटिडाइल कोलाइन और लेसिथिन बनाता है व्हिच इज एक्टिंग एज अ बेस्ट न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। अब एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द फास्फोरस, विद टाइप ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस एग्जिस्ट, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के कितने एलोट्रॉप्स हैं, हाउ मेनी एलोट्रॉप्स ऑफ द फास्फोरस एग्जिस्ट, फास्फोरस कितने एलोट्रोपिक फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, हाउ मेनी फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस एग्जिस्ट। अगर हम देखें फास्फोरस 6 एलोट्रोपिक फॉर्म में क्या होता है, मौजूद होता है, उनमें से 3 स्टेबल फॉर्म होती है और 3 अनस्टेबल फॉर्म होती है,
3 are the stable form of the phosphorus and remaining 3 are the unstable form of the phosphorus. ये तीन stable होती हैं और तीन क्या होती है unstable. अब stable में भी least stable, less stable यानी क्या होगा ज्यादा, तो कौन सी white phosphorus, white phosphorus, red phosphorus और alpha black phosphorus, ये तीन form है. और इसके अंदर भी बीटा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस, इसी तरह से क्या हो जाएगा स्कारलेट फास्फोरस, इसी तरह से दैट इज अ यानी वायलेट फास्फोरस. ये सिक्स फॉर्म है. तो फास्फोरस कैन बी एग्जिस्ट इन अ सिक्स एलोटॉपिक फॉर्म. आउट ऑफ दिस सिक्स एलोटॉपिक फॉर्म, 3 फास्फोरस फॉर्म आर द स्टेबल फॉर्म एंड अदर 3 आर द क्या हो जाएगा अनस्टेबल फॉर्म. अब स्टेबल फॉर्म के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 है जिनमें क्या हो जाएगा व्हाइट फास्फोरस, क्या हो जाएगा रेड फास्फोरस एंड अल्फा ब्लैक फास्फोरस. पहले समझेंगे देन ये पिक्चर शेयर कर दी जाएगी, आप लोगों ने इसको राइट करना है. मैं डिफरेंस करके पढ़ा रहा हूं और इनके स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा. अब कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉपर्टीज करके देखें. फर्स्ट है व्हाइट फास्फोरस, देन है रेड फास्फोरस, देन है उसके बाद अल्फा ब्लैक और ब्लैक फास्फोरस. ये तीन फास्फोरस की फॉर्म है. इनके स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सारा कुछ देखते हैं. फर्स्ट है प्रॉपर्टीज, व्हाइट वैक्स इज सॉलिड टाइप है ये. दूसरा क्या होता है रिएक्टिव है. तीसरा पॉइजनस फॉर्म में है. ये पॉइजनस फॉर्म ऑफ फास्फोरस होता है. एक तो व्हाइट वैक्स क्या हो जाएगा क्रिस्टाइन फास्फोरस, दूसरा क्या हो जाएगा रिएक्टिव फास्फोरस है, वोलेटाइल इन नेचर है, येलो व्हाइट सब्सटेंस होगा और क्या हो जाएगा येलो व्हाइट सब्सटेंस है. इट इज अ येलो व्हाइट सब्सटेंस. नेक्स्ट अगर देखा जाए कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर और बेंजीन के अंदर क्या हो जाएगा ये सॉल्युबल होगा. कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन के अंदर क्या हो जाएगा ये सॉल्युबल. और अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखी जाए कौन सी प्रॉपर्टी होंगी कि रेड फास्फोरस क्या हो जाता है ये रेड कलर है, रेड क्या हो जाएगा सॉलिड है. और अगर देखा जाए लेस रिएक्टिव है यानी रिएक्टिविटी इसकी लीस्ट है. अगर देखा जाए नॉट अ पॉइजन, ये पॉइजनस नहीं है. और अगर इसके अलावा देखा जाए तो दैट इज आल्सो सॉल्युबल इन दैट, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड बेंजीन, कि ये बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर क्या हो जाएगा ये सॉल्युबल होगा. दैट कैन आल्सो बी सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन के अंदर ये सॉल्युबल है. देन उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी जाए ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस थर्ड फॉर्म होती है जो कि स्टेबल होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है. इसकी प्रॉपर्टी अगर देखा जाए दैट इज अ स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द फास्फोरस, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द फास्फोरस इज द ब्लैक फास्फोरस. और ये क्या होता है लीस्ट रिएक्टिव है, नॉन पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर और ऑर्डिनरी कंडीशन पर एग्जिस्ट करती है ज्यादातर. ये इसके अब इनके देखते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी बनाएंगे साथ साथ. दो का बना हुआ है, एक का बुक में न्यू बुक में रॉन्ग है. व्हाइट फास्फोरस का न्यू बुक में रॉन्ग बना हुआ है, ओल्ड बुक में ये करेक्ट होगा. ये आपके पास फास्फोरस है. अब फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखा जाए इन द केस ऑफ व्हाइट फास्फोरस हैव द स्ट्रक्चर ऑफ जस्ट लाइक दैट, कि ये जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें चार फास्फोरस एक दूसरे के साथ इस तरह से क्या हो जाएंगे अटैच होंगे. बुक में ये वाली लाइन नहीं डाली हुई स्ट्रेट वाली, तो न्यू बुक के अंदर ओल्ड में करेक्ट है. दिस इज अ पी फोर व्हाइट, ये पी फोर क्या होगा व्हाइट. लेकिन अगर हम इसको हीट करते हैं तो एड क्या हो जाएगा, अगर हम इसको हीट करते हैं 780 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इट इज कन्वर्टेड इनटू अ व्हाइट फास्फोरस. अब समझिएगा इसको, इसके स्ट्रक्चर को समझिएगा, इस तरह से मैं बना रहा हूं. इसका जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड उनका क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा.
अब ये वाले बॉन्ड सारे के सारे रहेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग बॉन्ड है ये ब्रेक होके इनको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा और नेटवर्क स्ट्रक्चर बना देगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर बना देगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, यानी क्या होगा, रेड फॉस्फोरस के, ये रेड फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेड फॉस्फोरस। और अगर क्या हो जाएगा इसको मजीद हीट किया जाए तो फॉस्फोरस ज्वाइन तो रहता है लेकिन इसका बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। कौन से बॉन्ड, ये दोनों, यानी स्ट्रेट वाला भी और ये वाले बॉन्ड भी, ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं। देन द फॉस्फोरस इज सेड टू बी अ, क्या कहेंगे, ब्लैक फॉस्फोरस, किसे ब्लैक फॉस्फोरस कहते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉस्फोरस इन विच फॉस्फोरस कैन बी एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, वन इज अ रेड फॉस्फोरस। नेटवर्क स्ट्रक्चर्स आर सिंपल यूनिट फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉस्फोरस। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, वो क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव एलोट्रॉप ऑफ द फॉस्फोरस, व्हाई, व्हाई व्हाइट फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव फॉस्फोरस, व्हाई व्हाइट फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव टाइप ऑफ द फॉस्फोरस, के व्हाइट फॉस्फोरस को रिएक्टिव टाइप ऑफ फॉस्फोरस क्यों कहा जाता है, व्हाई व्हाइट टाइप ऑफ द फॉस्फोरस इज अ रिएक्टिव फॉस्फोरस, ये व्हाइट फॉस्फोरस को रिएक्टिव फॉस्फोरस कहा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या। शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है, अगेन आंसर नहीं लिखा हुआ बुक के अंदर, व्हाई व्हाइट फॉस्फोरस इज अ रिएक्टिव फॉस्फोरस, के व्हाइट फॉस्फोरस को रिएक्टिव फॉस्फोरस कहा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई व्हाइट फॉस्फोरस इज सेड टू बी अ रिएक्टिव फॉस्फोरस, के व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर फोर फॉस्फोरस एटम जो होते हैं अटैच होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स के अंदर, और एंगल इनका क्या होता है, लेस देन, इधर देखिए, इन द केस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, मेन रीजन देखिएगा, इन द केस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस The atoms are attached together. के एटम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। In the case of white phosphorus, atoms are attached together with an angle of क्या हो जाएगा, less than 60 degree. 60 degree angle होता है। It is attached together with an angle of less than 60 degree. के white phosphorus के अंदर, यानी क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए white phosphorus के अंदर, तो क्या होगा, angle. Angle क्या हो जाएगा, between phosphorus, 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 phosphorus bond. क्या हो जाएगा, इज लेस देन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री से लेस होता है, ड्यू टू दिस एंगल क्या हो जाएगा, कलर इंप्योरिटीज आर अपेयर, ड्यू टू दिस एंगल कलर इंप्योरिटीज, कि इस एंगल की वजह से क्या हो जाएगा, कलर इंप्योरिटीज अपेयर हो जाती हैं। अब अगर कलर इंप्योरिटी अपेयर हो जाए तो कलर इंप्योरिटी कैन शो अ रिएक्टिविटी, दैट इज व्हाई द व्हाइट फॉस्फोरस इज अ ग्रेटर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ, क्या हो जाएगा, बाकी में एंगल लेसेंस क्या हो जाएगा कि 60 का नहीं होता, ये 60 डिग्री के एंगल नहीं होता है, इस वजह से वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इन द केस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस द फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड के दरमियान ये जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री और लेस देन 60 डिग्री एंगल होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कलर इंप्योरिटीज आना और इसे कहते हैं स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाता है, इस स्ट्रेन की वजह से इट इज सेड टू बी अ वेरी रिएक्टिव फॉस्फोरस, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है, दैट्स व्हाई दिस फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव टाइप ऑफ द फॉस्फोरस, कि ये फास्फोरस क्या हो जाएगा, वेरी रिएक्टिव टाइप ऑफ फास्फोरस क्या कहता है, कहलाता है, दिस टाइप ऑफ द फास्फोरस इज सेड टू बी अ वेरी रिएक्टिव टाइप ऑफ